नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। बात करते हैं 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की, तो आज इसका शहर में समापन किया गया। समापन अवसर पर कलेक्टर, एसपी सहित न्यायाधीशगण सम्मिलित हुए और स्कूली छात्र छात्राओं सहित आमजन को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही साथ जिले की 27 एससी की पंचायतों में आज से हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया गया। शहर में 11 जनवरी से 17 जनवरी यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे यातायात पखवाड़े का शहर के लाइन लेन में समापन हुआ, जहां आयोजन में कलेक्टर, एसपी सहित न्यायाधीशगण सम्मिलित हुए। जहां कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की, इसके बाद कलेक्टर, एसपी सहित न्यायाधीशगणों का पुलिस परिवार की तरफ से पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। समापन अवसर पर उद्बोधन के दौरान कलेक्टर, एसपी और न्यायाधीशगणों ने आयोजन में शामिल होने आए स्कूली छात्र छात्राओं सहित पुलिस कर्मियों व आमजन को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया और बताया कि किस तरीके से हर आदमी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के सभी नियमों का पालन करना हमारा दायित्व होता है। साथ ही न्यायाधीशगणों ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि जब भी सफर के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी आपको यातायात के नियमों के बारे में पालन करने के लिए समझाइश दे, तो आप उसका बुरा न माने बल्कि सुझाव पर अमल करें। 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन के अवसर पर जिले में हेलमेट बैंक का शुभारंभ भी किया गया। जिले की एससी की 27 पंचायतों के सरपंच व सचिवों को पंचायत स्तर पर हेलमेट वितरण किए गए, जहां पर गांव से बाहर जाने वाले वाहन चालकों को ₹50 जमा कराकर आसानी से हेलमेट मिल जाएगा और वापस हेलमेट जमा कराने पर राशि वापस मिल जाएगी, जिसे सफर के दौरान उनकी सुरक्षा होगी। वहीं आयोजन में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया और आयोजन के दौरान यातायात में बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। ये जो आज यातायात जो सप्ताह का समापन हुआ, ये 31वां यातायात सप्ताह था और चूंकि ये भारत सरकार की योजना है कि जनवरी महीने की दूसरे सप्ताह में ये आपको मनाना है और इसमें चूंकि यातायात के प्रति अवेयर करना है, तो इस पूरे कार्यक्रम में 7 दिन लगातार कार्यक्रम हुए। साथ में इसमें ये भी निर्णय लिए गए, इस कार्यक्रम के बाद भी हम लोग लगातार ये कार्यक्रम चलाएंगे और इसमें प्रत्येक स्कूल में सप्ताह में एक दिन थाना प्रभारी जाएंगे और अवेयरनेस का कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन जो है प्रत्येक स्कूल का भ्रमण होगा, कोई न कोई स्कूल सप्ताह में एक दिन थाने में आएगा और वो थाने की कार्रवाइयों को देखेगा। साथ में ही चूँकि इस पूरे अभियान में चूँकि हमारा जो हायर जो जुडिशरी है उनका भी काफ़ी सहयोग रहा और प्रशासन की ओर से कलेक्टर साहब वगैरह का भी काफ़ी सहयोग रहा और ये पूरा, और इसमें हम लोगों ने ये भी चूक लिया है कि जो अभी ट्राइबल की जो पंचायत हैं, ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट की, इनमें हमने जो है हेलमेट अभी 10-10 हम दे रहे हैं और ताकि वो जो है एक बैंक के तो जो हमारा जो जनरक्षा सुरक्षा वाला जो है इसमें जो हेलमेट बैंक है उसमें हमारे जो है ये 10-10 हेलमेट रहेंगे और वो ₹50 लेके हेलमेट को जो है ले जाएंगे और जब वापस आएंगे तो अपना हेलमेट जमा करेंगे, ₹50 अपना वापस ले लेंगे। तो ये कुल मिला के जो है ये हमारा निःशुल्क सेवा रहेगी ताकि ये जो हमारा यातायात जो सप्ताह है इसको हम जो है सकारात्मक रूप से इसका प्रयोग करते हुए साल भर में हम लोग जो है लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे और उसी के परिणाम स्वरूप आज जो है हम लोगों का जो कार्यक्रम आज समापन हुआ है। इसमें हमारे जो है प्रशासन के साथ साथ हमारा मीडिया का भी काफ़ी सहयोग रहा है और यही कार्रवाइयाँ हम लोग लगातार करते रहेंगे और ख़ास तौर पर अभी हम लोग ये भी सोच रहे हैं यातायात में कि हम CF की जगह, मतलब जो हमारा जो शुल्क है, समन शुल्क है, उसकी जगह हम लोग हेलमेट परचेजिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, तो ताकि कम से कम जो है उनके पास एक हेलमेट हो जाएगा तो वो कम से कम अपने सुरक्षा में वो काम आएगा। तो यही हम लोगों का विचार रहा है और ये इश्यू को आगे लेके हम लोग